आशा साहू को जान मारने की धमकी का आरोप भाजपा नेता अरुण शाह के ऊपर लगने के बाद अरुण शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पक्ष को रखा। कहा कि मैंने गोली मारने की बात नहीं कही है। वीडियो में जो आवाज़ है वो किसी ज्ञानदेव नाम की व्यक्ति की है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, इसके बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। और कहा कि आरोप बेबुनियाद है और ये भी कहा कि आशा साहू ने खुद बात करने के लिए बुलाया था और 10 लाख रुपये की मांग कर रही थी और बात उनकी नहीं मानने पर झूठा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि थाने में इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। हमको चूंकि उसमें एक लड्डू चौधरी है उनके साथ, उससे हमारा बहुत पूर्व से परिचय और वो परसों रात में हमको फोन किए, जो उनके नंबर से मेरे नंबर पर फोन भी आया, तो उनसे हम बात किए कि काहे आप लोग इस तरह कर रहे हैं। आज देश में जो है मोदी का मांग है, सारा लोग लगा हुआ है कि किस तरह से मोदी को हम लोग प्रधानमंत्री बना लें और हम ही लोग वैश्य समाज के लोग उनको हराने के लिए यहाँ लगे हैं, तो ठीक बात नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री भी वैश्य हैं और यहाँ से अगर हार के जाता है एक भी सीट तो हो सकता है कि मोदी जी को उसका नुकसान हो, इसलिए किसी तरह इसको मनाइए आप लोग। और नाम वापसी का डेट है तो आप लोग इसको नाम वापसी करा दीजिए। वो हमको बोले थे कि आइए ना बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, उसी में हम लोग आज गए थे होटल राजदरबार। सौहार्दपूर्ण वातावरण में आशा जी से हम लोगों की बात हो रही थी, उसमें कई दो बात नहीं है, उनको सम्मान भी की, चाय वगैरह भी पिलाई, बात भी हुआ। वो बोली कि हम 10 लाख रुपया लेंगे। हम लोग बोले कि उतना हम लोग सक्षम नहीं कि 10 लाख रुपया आपको। उसके बाद कुछ देर के बाद तीन आदमी, एक लड्डू चौधरी, एक ज्ञानदेव और एक कोई था उसको हम नहीं जानते, और एक बोल रही थी मेरा भाई है भास्कर, वो चारों घुसा रूम में। तो हम लोग से बात ऐसी हो रही थी तो वो बोला कि हम सीट नहीं दिया था। हम बोले भैया आप लोग बिहार में जाके मांगो ना सीट, झारखंड में आके कहे सीट मांगते, और आप लोग 5,000 से ज़्यादा वोट नहीं लाओगे। इसी पर जो है वो लोग गुस्सा गया पूरा और बोला जाइए देख लेंगे आप लोग को। उसके बाद वो जो ज्ञानदेव लड़का था वो रिवॉल्वर निकाल लिया। जब रिवॉल्वर निकाल लिया तो हम लोग वहाँ से धीरे धीरे निकल गए, रूम से बाहर आ गए थे उसे, और उतर ही रहे थे सीढ़ी पर तो फिर सीढ़ी पर आया और वो कह रहा था कि गोली मार देंगे तुमको, मुंह में मारेंगे, गांव से गोली निकल जाएगा। ये तो हम तो इसलिए के लिख के दिए हैं थाना प्रभारी को कि इस वीडियो का पूरा फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाए, CBI से जाँच कराई जाए कि वो आवाज़ वॉइस किसका है, मेरा है कि उस लड़के का है, ज्ञानदेव का। वो तो क्रिमिनल है, सब बिहार का यहाँ असामाजिक तत्व का जमाड़ा लगा है गुड्डा में। आर्म्स तो उसके पास था।